मध्य प्रदेश में बिन मौसम बारिश और ओलावृष्टि से 18 जिलों की फसलें प्रभावित हुई हैं, जिनमें राजगढ़, विदिशा, डिंडोरी, ग्वालियर, शिवपुर, अशोकनगर, दतिया, गुना, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, उज्जैन, रतलाम, नीमच, छतरपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़ और हरदा जिले के 620 से ज़्यादा गाँव की फसलें बर्बाद हो गई हैं। किसान परेशान हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश और मैं हूं सीमा वर्मा। राज्य के मुखिया शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार से जिलों के दौरे पर निकले हैं। मुख्यमंत्री ने राजस्व अमले को साफ शब्दों में कह दिया है कि किसानों को किसी भी हाल में जनवरी में ही मुआवजा मिल जाना चाहिए। 50% से अधिक नुकसान पर ₹30,000 प्रति हेक्टेयर की दर से राहत राशि दी जाएगी। फसल बीमा की 25% राशि सर्वे से पहले और 75% राशि सर्वे के बाद दी जाएगी। ब्याज दरें भी माफ होंगी। मुआवजा सिर्फ फसल बर्बादी का ही नहीं, बैल भैंस, बछड़ा बछिया, बकरा बकरी, मुर्गा मुर्गी का भी दिया जाएगा। बैल भैंसा 25,000 उसके देंगे, बछड़ा बछिया 16,000 उसके देंगे, भेड़ बकरी 3,000 उसके देंगे, मुर्गा मुर्गी 60 रुपया उसके भी देंगे अगर मौत हुई है, क्योंकि गरीब के लिए तो छोटी चीज भी चली जाए तो उसका नुकसान तो हो ही जाता है। और उसके साथ फसल बीमा योजना में इस बार परिवर्तन किया है। बहुत दिनों तक क्लेम सेटल नहीं होते, इसलिए जो नुकसान हुआ है बीमित फसल का, उसका 25% कंपनी को एडवांस में देना पड़ेगा, 75% बाद में क्लेम सेटल होने के बाद दिया जाएगा। सीएम ने राजस्व विभाग को चेताया है कि किसानों का नुकसान लिखने में कोताही नहीं बरती जाए, किसानों को राहत मिलनी ही चाहिए। गेहूं, चना, मसूर, सरसों, अरहर, राई की फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। गेहूं की फसल पर पाला नहीं पड़ता, लेकिन भारी ओलावृष्टि से गेहूं की फसल भी खराब हो गई है। मौसमी सब्जी की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। ओलावृष्टि ने किसान को बर्बाद कर दिया है। परेशान अन्नदाता की ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं कि दिल रो पड़े। ऐसे करने से क्या होता है? अरे यार, अरे 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 भिंड जिले के जगदीशपुरा के दबो क्षेत्र में अपनी बर्बाद फसल को देखकर सेवाराम दोहरे नाम के किसान के दिल की सांसें वहीं रुक गई। फसल की बर्बादी देखकर उसे खेत पर ही हार्ट अटैक आ गया और खेत में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। भैया लाल, पिताजी की मौत कैसे हुई है? वही जो फसल नुकसान हुआ है ना, वो लोग की वजह से। हाँ, उसी से हुई है। उसी को हार में खेत में देखने के लिए गए? हाँ, गए थे ना देखने के लिए। कैसे पता चला आपको? वहाँ मतलब लोग वक्त देख रहे थे ना, उन लोगों ने बताया है कि तुम्हारे पिताजी का ऐसा हादसा हुआ है। घर लेके आया तो उन्होंने? हाँ, घर लेके आया तो दम तो वहीं तोड़ दिया था खेत पे। अच्छा, कितने वर्ष के थे? वही होंगे 50 के करीब। क्या काम करते हैं आप? वही किसान करते हैं। कितनी जमीन है आपके पास? 2.5 बीघा। एक और तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा, जब अपने उड़न खटोले से उतरकर सीएम अशोकनगर के बिजावन गांव पहुंचे। एक वृद्धा किसान महिला की व्यथा सुनकर भावुक होते हुए उसे गले लगा लिया। प्रशासनिक अधिकारियों को महिला की सहायता के निर्देश दिए। आनन फानन में महिला राजकुंवर बाई को एक चेक, ₹50,000 की राशि का चेक मुंगावली तहसीलदार ने थमा दिया। इसका फोटो भी सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुआ। इस त्वरित सहृदयता और सहायता ने काफी सुर्खियां भी बटोरी, लेकिन इसके साथ ही सवाल भी खड़े हो गए कि तहसीलदार के खाते से सरकारी सहायता क्यों? लिहाजा बुजुर्ग महिला को नया चेक भिजवाया गया। प्रशासन की इस कारगुजारी पर कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लेने में देर नहीं लगाई। कहा, चर्चा किसी का और खर्चा किसी का।
जो एक महिला को आर्थिक सहायता सरकार ने दी है उसमें खर्चा किसी और का है और चर्चा मुख्यमंत्री जी की हो रही है। सरकारी कोष से उनको 50,000 की इमदाद नहीं हुई है, वहाँ के कोई पटवारी हैं जितेंद्र शर्मा जी, उनके अकाउंट का 50,000 का चेक उस महिला को दिया गया है। तो इतना फ्रॉड क्यों कर रही है सरकार? या तो सरकार कह दे कि हमारे पास अभी पैसा नहीं है, और पैसा नहीं तो मुख्यमंत्री जी क्यों कह रहे हैं कि एक एक को लाभ से वंचित नहीं रखूंगा, हर व्यक्ति को हर सहायता दूंगा, यदि उसके ओलावृष्टि में खप्पर टूट गए तो खप्पर का भी पैसा दूंगा। जब आपको फसल का पैसा देने के लिए नहीं है, पटवारी से पैसा दिलवा रहे हैं, तो खप्पर का क्या खाक दिलवाएंगे? कांग्रेस ने सवाल दागा कि क्या जो किसान आंसू बहाएगा या मामा जी के पैरों पर गिरेगा उसी को सहायता मिलेगी? पीड़ित लाखों किसान हैं, सभी को 50,000 रुपए की तत्कालिक सहायता दी जाए। मुखिया तो पूरे प्रदेश का होता है, सभी को राहत मिलनी ही चाहिए। जहां कई किसान बर्बादी पर आंसू बहा रहे हैं, वहीं धरती का सीना फाड़कर अनाज पैदा करने वाले अन्नदाता ने अपना कलेजा भी फौलाद का कर लिया है और अपने दर्द को गीतों में ढाल लिया है। अच्छे परे रगड़ के ओरे, अच्छे परे रगड़ के ओरे, चौपट हो गओ सभी किसान, अब तो रूठ गओ भगवान। अच्छे परे रगड़ के ओरे, चौपट हो गए सभी किसान, अब तो रूठ गओ भगवान। कर्जा लेके करी किसानी, बर्यावत के फसल दिखानी, कर्जा लेके करी किसानी, बर्यावत के फसल दिखानी। चौपट हो गई सभी किसानी, केसो कर गए अब भगवान, चौपट हो गो सभी किसान। हो रही खेतन खेतन चर्चा, हुई करो खाते में खर्चा, दे दे 2,000 की बोरी, ओ आत्मा के लप रही मोरी। हो रही खेतन खेतन चर्चा, हुई करो खाते में खर्चा, ओ दूर साव दिखाए पर्चा, बिज गई अब आफत में जान, अब तो चौपट भाओ किसान। कुल मिलाकर किसानों को भारी नुकसान हुआ है, सरकार मुआवजे के मरहम का भरोसा दे रही है, लेकिन जब तक ये भरोसा नगद बनकर उसके खाते में जमा नहीं हो जाता, उसकी बेचैनी बनी रहेगी। तो आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश और मैं हूँ सीमा वर्मा। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमें इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का।